तो कैसे हो आप लोग। तो इस मैच में आप देखोगे अपने टीममेट का जलवा, जो कि आपको शायद लास्ट में दिखने को मिलेगा, लेकिन वो देखने लायक है। और ये मेरा टीममेट एक बार नहीं, शायद 5 में से 3-4 मैच में तो ये करता ही है। तो अभी फिलहाल हम कूद रहे थे मिलिट्री बेस पे, तो यहाँ पे देखो बंदा आता है तो मैं नीचे कूदा देता हूँ। यहाँ से भाई पहले ही हमको स्क्रैप चैंप ढूंढना है, बाकी गन नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे स्क्रैप चैंप उठा लेते हैं और गन भी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये बंदा भाई के ही ऐसे ऐसे हमको घुमा रहा था, हम पता नहीं, और इस साइड से निकला होता तो शायद उसके हाथ में UMP मिल जाता। तो यहाँ पे देखो अभी हम हेलमेट वेस्ट ढूंढने का भी ट्राई करते हैं, तो हेलमेट तो मिल जाता है, तो अभी वेस्ट नहीं मिलता। तो अभी यहाँ पे देखो ऊपर जाते ही यहाँ से तो भी एक बंदा भी हमको दिखता है, तो बोट शायद होता है, तो वो रोड के उस साइड होता है। तो हमको तो किल ही उठाने थे पहले जितने हो सके उतने। तो यहाँ पे 2 किल हमारे हो जाते, तो यहाँ पे अभी हमको मरने का तो डर नहीं था, तो यहाँ पे अंधापूसी करते हैं सबके ऊपर, लेकिन भाई बंदा तो दिखना चाहिए ना। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकते और यहाँ से बंदे देखते हैं, लेकिन बंदा नहीं दिखता है। तो अभी यहाँ पे सोते पास वाली बिल्डिंग में बंदा है, उसको मार दे। लेकिन यहाँ से जैसे ही पास वाली बिल्डिंग में जाते कि भाई 1 HP कर दिया था और ऊपर आके हम करते हैं हील। तो अभी देखो सामने की साइड होते हैं 2 बंदे, तो क्या होता है। तो अभी यहाँ पे एक बंदे को तो मैंने कर दिया नॉकआउट, लेकिन देखो उसके ग्रेनाइट में काफ़ी डैमेज हो जाता हो। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि हीलिंग करके कर दूँ उसके ऊपर पुश, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत सीन हो जाता है। देखो अपना बंदा करता है ग्रेनाइट, तो ये ग्रेनाइट कहाँ कर रहा है वही मालूम नहीं, सीढ़ी पे हो गया इसका ग्रेनाइट। तो यहाँ पे जैसे खड़ा था कि भाई सामने के बिल्डिंग से एक बंदा कर देता है हमको नॉकआउट। तो यहाँ पे मैं अपने बंदे को वापस बुलाता हूँ और बोलता हूँ भाई रिवाइव कर मेरे को। यहाँ पे अभी मैं रिवाइव होके यहाँ पे फिर से आके बैठ जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे भाई इसको क्या ही बताओ। तो यहाँ पे बंदा था तो ये नीचे से गया और मैंने बोला भी भाई मत जा, लेकिन फिर भी गया और देखो जाके क्या होता है। तो यहाँ पे अपना बंदा हो जाता है नॉकआउट। तो अभी यहाँ पे फायर में इस बंदे का भाई फुल स्टेप का साउंड ही नहीं है और हमको कर दिया फिनिश। तो यहाँ पे देखो अपना तो गया रिकॉर्ड बिना फोकट का। तो यहाँ पे अभी हम ऊपर आ जाते हैं मॉन्स्टर के पास, तो सामने होता है 2 बंदा। तो अभी देखो वो आगे आता है, तो एक को देता हूँ मैं नॉकआउट। तो अभी यहाँ पे भाई इसको बचाने के लिए उसका बंदा आने ही वाला था, जल्दबाजी जो करेगा मेरे को मालूम था, लेकिन भाई ये पूरी जल्दबाजी नहीं करता। देखो ग्रेनेड करता है मेरे ऊपर और बाद में उसको बचाने का ट्राई भी करता है। यहाँ पे फिर भी भाई हम उसको मार तो देते हैं, लेकिन भाई देखो कि यही बंदा कहलाता और हम इसकी जगह पर होते तो भाई सीधा ही पुश कर देते, मारने के लिए चले जाते उसको। तो यहाँ पे भाई ये बंदा पूरे शांत तरीके से खेल रहा था, मतलब कि भाई IQ वाला बंदा था और हम में तो ऐसा कुछ है नहीं है, आए और गए ऐसा ही होता है। तो अभी बंदा कर रहा था एक के बाद एक ग्रेनाइट। तो यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ हीलिंग। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे ही आता हूँ कि बंदा आ जाता है आगे, तो यहाँ पे बंदे को एक हेडशॉट तो लग जाता है, मतलब कि भाई 50% तो उसकी हेल्थ कम हो ही जाएगी होती। तो यहाँ पे देखो लास्ट गोली और बंदा खत्म, नहीं तो भाई यहाँ पे मेरे को खत्म कर ही देता, 1 HP ही बचा था। यहाँ पे भाई इसमें तो काफी लूट थी, तो इसमें से लूट के और हीलिंग करके अभी हम चले जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखो नीचे हम गिरे थे पूरे ओपन पे, क्योंकि गाड़ी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर आते हैं को भाई गाड़ी का साउंड आता है, तो अभी देखो क्या होता है उसके साथ। तो यहाँ पे भाई ये दोनों बंदे को तो मालूम ही नहीं लगा होगा कि क्या हो उसके साथ, आए और गए भाई, दोनों का हरा धुआं निकाल दिया और शायद अभी इसके पास तो रिकॉल भी नहीं होगा। तो इनमें से अभी मैं लूटने का ट्राई तो करता हूँ, लेकिन ऐसी खास लूट तो होती नहीं उसमें। तो यहाँ से जा रहे होते हैं तो भाई एक पीछे बंदा होता है, तो देखो दिख जाता है।
तो यहाँ पे बंदे को भाई हेडशॉट देकर अभी यहाँ से निकल जाते, क्योंकि हमको जाना था जोन में और जोन यहीं पे था, लेकिन भाई सेफ जगह लेनी थी, मतलब कि सेंटर लेने था अभी से, क्योंकि पेड़ ही थे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने भी एक बंदे को नोक दी और अपना भी एक बंदा हो जाता है नोकआउट। तो पहले यहाँ पे मैं एक करता हूँ स्मोक, क्योंकि पीछे भी बंदा था, तो यहाँ पे स्मोक करके अभी अपने बंदे को दे देता हूँ रिवाइव। तो देखो वो बंदा अभी गाड़ी लेके निकल गया था और हमारी साइड ही आ रहा था, तो भाई पीछे आ गए, हम दोनों साइड से फंस गए थे। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पहले पीछे वाले बंदे को ही मार दूँ, लेकिन अभी यहाँ पे मैं मोली करता हूँ और ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन बंदा भाई मोली में और ग्रेनेड में किसी में भी नहीं फटता है। तो अभी यहाँ पे मैं स्मोक कर देता हूँ पीछे की साइड, क्योंकि बंदा ना देख ले पीछे से। तो यहाँ पे मेरे को लगा भाई ग्रेनेड डाला, लेकिन उसकी जगह पे स्मोक डल गया था वहां पे देखो। तो यहाँ पे एक ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन बंदा भाई फटता नहीं है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा ग्रेनेड नहीं करता और ऊपर एक बंदा को बॉडी शॉट दे देता हूँ। तो अभी यहाँ पे फाइट चल रही है, आप देखो क्या होने वाला है लास्ट में, वो देख के भाई आप कुछ तो बोलोगे। अपना टीममेट भाई ऐसा है तो मेरे को भी बताना कैसा है तुम्हारा भी टीममेट। तो अभी यहाँ पे पत्थर के पीछे आके एक बंदा रुका है, तो देखो यहाँ पे करता हूँ ग्रेनेड। तो यहाँ पे जैसे ही नॉकआउट होता है तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसके ऊपर पूसी कर दूँ। तो इनके ऊपर पुश करने आता हूँ, तभी अपना बंदा हो जाता है नॉक आउट। तो अभी यहाँ पे अपने बंदे का तुम सिर्फ कॉल सुनना कि यही कॉल दे रहा है, वो तुम सुनना और भाई बाद में बोलना कि क्या ही बंदा है अपना। भाई कभी कभी होते हैं कभी कभी के टीममेट ऐसे। तो यहाँ पे मैं भाई लेट के आगे जाता हूँ, क्योंकि आगे की साइड बंदा था जिसने अपने टीममेट को किया था फिनिश। तो यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ बूस्टर, और यहाँ पे अपने पास देखो ग्रेनेड होते हैं, तो बंदे का जैसे लोकेशन मालूम लगेगा तो मैंने सोचा ग्रेनेड डाल दूँ, लेकिन एक बंदा तो अभी पीछे था जिसने दूसरे बंदे को किया फिनिश। तो एक लेफ्ट में था और एक आगे था, वो तो मालूम था, लेकिन आगे कहाँ पे था वो मालूम नहीं था। तो अभी देखो अपना बंदा क्या बोलता है। भाई पाणा वा ये जो मने ग्लिच में बधु देखाय पाणो रियो ना गणिया है आ तो आ आ ये पाणा वा। कैसा लगा मेरा मजाक? अजी 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 पाना माई थे यहाँ ये कहाँ करे केल बाजू ध्यान रख। चुप चुप हो जा सातवीं फेल चुप हो जा। तो यहाँ पे भाई अपना बंदा पहले तो बोलता है कि पत्थर के पीछे बंदा है और निकलता है आगे, और अभी भी भाई चुप होने का तो नाम ही नहीं ले रहा होता, अभी भी बोल रहा है एक बंदा वहीं पे है। तो एक बंदा तो पीछे था जो पहले फायर दे दिया था, उसने एक बंदे को फिनिश किया था। तो ये बंदा भाई काफ़ी बार ऐसे ही कॉल देता है गलत कि यहाँ पे है वहाँ पे, और निकलता है आगे पीछे कहीं से भी बंदा निकलता है। और इसका कॉल पत्थर के पास था और पेड़ के पास बंदा निकला था। तो अभी देखो यहाँ पे आगे बंदा होता है। तो यहाँ पे भाई आसानी से अपना चिकन डिनर हो जाता है। तो यहाँ पे भाई हमको चिकन डिनर तो मिल गया, और चिकन डिनर के साथ साथ अच्छा प्लस भी मिल गया। तो आप भी भाई रैंक पुश कर रहे हो तो करते रहो, एकर कम हो जाएगा धीरे धीरे करके, वो दो तीन दिन ही रहेंगे क्योंकि बाद में तो बैन हो जाएंगे।